तो देखिए, मणिपुर को मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक पैदल मार्च निकाल करके या फिर अलग अलग तरीकों के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रही है विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस फिलहाल एक पैदल मार्च अब निकालने वाली है। जोशी, क्या कहेंगे आप? मणिपुर के हालात तो राजस्थान के हालात एक सी है क्या? राजस्थान में कानून का राज है। राजस्थान में जब जब भी कानून तोड़ने की कोशिश की गई तब तब कार्रवाई हुई है। पिछले समय में जितने भी जो कुछ केसेज हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उन सबको खोला गया है और स्थिति यहाँ तक हो गई है कि झूठ पर झूठ बोलने की कि उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड में राजस्थान पुलिस पकड़े और केंद्रीय गृह मंत्री जी आकर ये दावा करें कि एनआईए ने पकड़ा। स्थिति लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं ये कह सकता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक बयानबाजी के लिए, अपने राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए राजस्थान को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं रखता। बीजेपी का महिला मोर्चा भी आज प्रदर्शन कर रहा है, विधायकों के घर के घेराव का ऐलान कर रहा है। किस बात का प्रदर्शन, ये तो बताया जाए, किस बात का प्रदर्शन? हम मणिपुर लॉ एंड ऑर्डर, आप बताइए, यहाँ कोई बलवा हो गया, दंगा हो गया, क्या हुआ है? शांति के साथ राज चल रहा है, घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं खुल भी रही हैं। मैं जयपुर के लिए मैं बात करूं, शायद पिछले 4 साल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, अधिकांश घटनाओं को, लगभग लगभग सभी घटनाओं का तो खोला गया है, उनके अपराधियों को पकड़ा गया है। राजस्थान पुलिस अच्छा काम कर रही है, कुछ और अगर सुधार की गुंजाइश होगी तो मुख्यमंत्री जी हमेशा सुधार के पक्षधर हैं। सिर्फ पुलिस के मायने में नहीं, हर मायने में सुधार के पक्षधर। पीएम का बयान जो आया उस पर मुख्यमंत्री ने कहा है राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट है, निश्चित रूप में महिलाओं का जो बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन उसको किस रूप में देखा जाए और पीएम के बयान को आप क्या सोचते? मैं कह रहा हूँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को नीचा दिखाने का प्रयास कर रही है, राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट कर रही है, मान गिरा रही है, झूठ पे झूठ बोलकर राजस्थान पुलिस का, राजस्थान सरकार का, राजस्थान की जनता का मान गिराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसका आप, उसका करेंगे जवाब दे। मैं ये कह सकती, मैं FIR दर्ज करा रहा हूँ उनके खिलाफ। मैं निश्चित रूप से राजेंद्र बुढ़ा जी के खिलाफ मानहानि की FIR दर्ज करा रहा हूँ। मैं वकीलों से राय ले रहा हूँ, राय लेके जैसे ही मेरे FIR मुकम्मल होगी मैं थाने में जाकर FIR दर्ज कराऊँ। निश्चित रूप से साजिश है, आप बताइए। एक चीज को डायरी बताया जाता है जो डायरी जैसी लगी नहीं रही। मुझे तो ये लगता है कि गुड़ा जी खुद ये चाहते थे कि जिसको वो डायरी बता रहे हैं वो इधर उधर हो जाए, जिससे बाद में कह सकेंगे खो गई। ये पता नहीं कि कांग्रेस के किसी MLA के पास वो जिसको तथा कथित डायरी है कि गुड़ा जी ने खुद ही कहीं फेंक दी है, क्या किया है तो गुड़ा जी जाने। लेकिन उसी समय में भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य रहे विधानसभा में वो छोटे छोटे लाल डायरियाँ लहरा रहे हैं, तो साजिश नहीं हो तो साथ साथ में कैसे दूसरी डायरियाँ आ जाएं? तो ये साजिश है, कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर पूरी तरीके से लिप्त है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ है और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं राजेंद्र गुढ़ा जी पे मानहानि का थाने में मुकदमा दर्ज करा रहा हूँ। तो देखिए, आपने सुना और बड़ा बयान दिया मंत्री महेश जोशी ने। उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, FIR दर्ज करवाऊंगा, क्योंकि उनका नाम भी उन्होंने लिया। और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। देश की जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है और उस नाइंसाफी में इतने ज्यादा इनके मन में गलाने के समझ नहीं पा रहे क्या करें, इसलिए आप बताइए जगह जगह। मैं भी हटा लेती हूं।